गुड मॉर्निंग सर। जिस प्रकार से गणित का हम कोई सवाल हल करते हैं तो उसमें सूत्र काम में लिया जाता है, सूत्र में मान रख देते हैं और हमें रिजल्ट मिल जाता है। इन दी सेम वे, यानी इसी प्रकार से हम 12 जो सिंपल सेंटेंस बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं उसकी जानकारी हम यहाँ लेंगे। सबसे पहले कोई भी आप सेंटेंस बनाओगे उसमें किसकी जरूरत पड़ेगी? सब्जेक्ट की। सिंपल सेंटेंस में हमेशा पहले क्या होता है? सब्जेक्ट। उसके बाद जैसा कि आप लोगों को पता है प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो उनमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे दो टेंस हैं जिनमें साधारण वाक्यों में सहायक क्रिया की जरूरत नहीं पड़ती है, वो कौन कौन से? प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। समझ रहे हो ना? इसीलिए देखो यहां सीधी वर्ब आ गई, ये बड़ी काम की चीज है और आपके हर जगह काम आएगी, बहुत काम आएगी। ज्यों ही कर्ता के तुरंत बाद में क्रिया आ जाए तुरंत अलर्ट हो जाओ वो वाक्य केवल दो टेंसों का है, अगर साधारण वाक्य है। समझ रहे हो ना? और वो क्या होंगे? प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। अब जैसे हम इसी स्ट्रक्चर के अनुसार कोई वाक्य बनाए, जैसे सीता पत्र लिखती है, सीता पत्र लिखती है, ये कोई साधारण वाक्य है। ठीक है? अब इसमें सीता लिखने में भी ध्यान रखो, भाषा कौन सी भी हो सीता में ई की मात्रा छोटी मत लिखो। इसको याद रखने के लिए क्या होगा, सीता किस युग में हुई थी? त्रेता युग में, अर्थात हमारी दादी नानी ताई सबसे उम्र में बड़ी है, उसमें ई की मात्रा भी बड़ी है, कभी भी इधर मत लगाओ। समझ गए ना? इन छोटी छोटी चीजों पर भी साथ साथ आप ध्यान रखोगे तो सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? सीता। उसके बाद में वर्ब है, यहां लिखा हुआ है एक वचन, तो नाम हमेशा क्या होता है? एक वचन होता है, तो एक वचन वाले सिस्टम में कौन सा हम ऊपर वाला काम मिलेंगे, यानी वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब में एस या ईएस ऐड करेंगे। तो यहां लिख रहे हो क्या कहते हैं? डब्ल्यू आर आई टी। ये सुन लो, अब इसमें एस लगाओगे कि ईएस लगाओगे? सीधी सी बात है, ई ऑलरेडी है तो सिर्फ क्या लगा लेंगे? एस। अगर वर्ब के अंत में ये चीजें आ जाए, क्या है? सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, डबल एस आ जाए, ओ आ जाए, एक्स आ जाए, जेड आ जाए, तो आप क्या जोड़ दोगे? टी एस। जैसे मिक्स मन मिलाना होता है, ये लगा देंगे, बच घरेलू मक्खी भी बनाती है, बी बी यू डबल जेड, ये लगा देंगे। समझ गए ना? तो ये वर्ब के अंत में आ जाए और सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो, कर्ता एक वचन हो, तभी ऐसे इसका झंझट पालेंगे, नहीं तो नहीं पालेंगे। आई है, वी है, दे है, यू है, बॉयज है, गर्ल्स है, स्टूडेंट्स है, इनमें कौन सा नियम लागू होगा? ये तो वहां केवल क्या रखना होगा? राइट का राइट ही रखना होगा। पत्र है लेटर। अब कई बार लेटर की स्पेलिंग में बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, ले ऐसे बोल, एक उच्चारण मान लेते हैं। अब यहां ये याद रखो ना, लेटर में टी भी दो ही आती है और ई भी दो ही आती है, ये आते ही, इसको बोलेंगे टी इधर आ गई, इसको बोलेंगे टी इधर आ गई। समझ गए ना? तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगी लेटर की स्पेलिंग। समझ गए? टी भी दो है और ई भी दो है, टी तो क्या आ गई? एक साथ आ गई, और ई एक पीछे पहले आ गई और एक नीचे बाद आ गई। स्पेलिंग याद करने में कोई समस्या नहीं होगी आपके। ठीक है, अब इसी वाक्य को हम क्या बनाएं? प्रश्नवाचक। क्या बनाएं? प्रश्नवाचक।
किसी भी वाक्य को इंटरोगेटिव या नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एलपी वर्ब। टेंस के अंदर कोई भी वाक्य बच्चों बिना सहायक क्रिया के नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। इसकी सहायक क्रिया कौन सी है याद है? अपने सीखा था वहां, इसकी एलपी वर्ब क्या है? डू और डस। इनमें आपको संदेह नहीं होगा डू कहां लगता है और डस कहां लगता है। जब एक वचन करता होते हैं ये अलग अलग क्या है? एक वचन और ये बन गया ताकत, बन गई ताकत का मतलब बहुवचन में ताकत होती, तो डू लग गया बहुवचन में। फिर आप ये एप्लीकेशन डाल सकते हो एक वचन और सॉरी बहुवचन और एक वचन। अब यहां क्या याद रखना आपको, डज लगने के बाद आपको नोट लगाना है किसमें? नकारात्मक। लेकिन डज लगने के बाद भले ही प्रश्नवाचक वाक्य हो चाहे नकारात्मक वाक्य हो क्या नहीं लगेगा? एस या ईएस नहीं लगेंगे। किसके बाद? डज के बाद। यानी वाक्य चाहे साधारण हो चाहे वाक्य प्रश्नवाचक हो क्या नहीं लगेंगे? एस या ईएस, ऐसे यस नहीं लगेगा। मैंने बताया था थोड़ा सीखो चाहे लेकिन उसको अंतिम रूप से सीख लो, उस दिन के बाद उस चीज में दोबारा चक्कर ना पड़े। समझ रहे हो ना? नहीं तो छोटी छोटी चीजें आप पढ़ने के बावजूद, पढ़ाने के बावजूद आप सीख नहीं पाओगे, आगे भी छोड़ते रहोगे। तो थोड़ा थोड़ा उसी समय भी कर लेना चाहिए। यहां क्या लगा दिया? डच। नाम कहीं भी लिखो कैपिटल ही रखना है। कहीं क्या कर देते हैं? एस टू स्मॉल लेटर कर देते हैं। नाम, नाम और स्थान का नाम कहीं भी लिखो क्या आएगा? कैपिटल आएगा। सीता क्या आ गई? कैपिटल। जिस तरह से बिल्ली को देख करके चूहा भाग जाता है, समझ गए, और कुत्ते को देख करके बिल्ली भाग जाती है, भेड़िए को देख करके कुत्ता भाग जाता है, इन दी सेम वे, इसी प्रकार से डज को देखते ही क्रिया का एसीएस भाग जाएगा, यानी वहां नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? डज में आ गया वो, ठीक है। और जब शुरुआत में अंतिम वर्ब आ गई तो आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा 100%, इसमें कोई संदेह नहीं है। समझ गए ना? प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार के आपके भी आपके ट्रेनिंग क्वेश्चन में आते हैं? कितने प्रकार के? दो प्रकार, एक तो डब्ल्यूएच वाले और एक हेल्पिंग वर्ब वाले। टेंस के अंदर जितने भी वाक्य आप बना रहे हो वो किससे बनेंगे? हेल्पिंग वर्ब से। कोई भी वाक्य प्रश्नवाचक का बनता है हेल्पिंग वर्ब को शुरुआत में लगा दो, ठीक है, और उस हेल्पिंग वर्ब से संबंधित जो परिवर्तन है वो कर दो। प्रेजेंट सिंपल में क्या परिवर्तन आएगा? ऐसे हट जाएगा। पास्ट सिंपल में क्या परिवर्तन आएगा? साधारण में जो सेकंड फॉर्म आ रही थी बच्चों वो किस में बदल जाएगी? फर्स्ट में, क्योंकि रीड के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट आती है। अब तीसरे प्रकार का वाक्य क्या है? तीसरे प्रकार का क्या है? नकारात्मक। वैसे तो प्रश्नवाचक नकारात्मक भी होते हैं लेकिन इंपोर्टेंट यही है यहाँ तो जितना हमें सीखना है बाकी तो अपने आप सीख जाएंगे हम। अब इसमें नकारात्मक बनाएंगे तो नकारात्मक तो नियम क्या है? पहले क्या है? सब्जेक्ट, और फिर आएगी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया के बाद नोट लगाओ नकारात्मक बन जाएगा। तो सहायक क्रिया इसकी क्या है? डज, सीता डज नोट। जब प्रश्नवाचक में डज लगा हुआ वहां ही ऐसे ये हट जाता है तो यहां भी हटा रहेगा। ए और समझ ले, सीता राइट्स ए लेटर, डज सीता राइट ए लेटर, सीता डज नॉट राइट ए लेटर, ठीक है। इसके बाद हम लेंगे नंबर दो। नंबर दो पे कौन सा आता है?
दो पे कंटिन्यूस तो पक्का आएगा, ठीक है ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। चार पे कौन हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। छह पे कौन हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस। आठ पे कौन हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। दस पे कौन हो जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूस। बारह पे कौन हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो नंबर दो, नंबर दो का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस। सबसे पहले कौन आएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर। जान दे रहा बोलेगा फोरम आईएनजी लगनी है। आप रोज बोलता है कि रहा नहीं रहे, चुका चुके चुके हैं, रहा नहीं प्लस में तथा देखी थे, फिर आधा रहते रहे थे, चुका चुके चुके थे, आधा रहते प्लस में गा के गी, रहा होगा रही होगी रहेंगे, चुका होगा चुके हो चुके होंगे, रहा होगा रही होगी रहेंगे प्लस में। डूडे जी जमार है जब आज बिन अविन डिड वोज वर हेड एडविन सेल विल सेल विल बी सेल हाउ विल हाउ सेल हाउ विन। मुश्किल से एक मिनट आपको लगेगा। ये जब भी समय लगे टीचर दूसरा आता है, आप तुरंत एक बच्चा आकर के इसको बुलाओ, ठीक है ना, ये याद हो जाएंगे। उसके क्रम से फिर हम अंतिम वर्ब ये यूज करते रहेंगे। तो इसमें अंतिम वर्ब क्या है? इज, एम और ए आर। जैसा करता वैसी सही क्रिया, हमेशा याद रखें। तो यहाँ इज किस में लगेगा? एक वचन करता है। एक वचन करता कौन होते हैं? इसी का नाम। एम किसके साथ लगता है? केवल आई के साथ। एक ही सहायक क्रिया और एक ही करता है, कितनी शानदार बात, ठीक है। और आर किस में लग जाएगा? बहुवचन में लगता है। अब इसमें बहुवचन में से क्या हट जाएगी? आई हट जाएगी। तो दे है, वी है, यू है, बॉयज है, गर्ल्स है, स्टूडेंट्स है, पीपल है, इस प्रकार से जो भी है उसमें हम बहुवचन। वर्ब की जहां भी रहा बोले, टेंस का कोई मतलब नहीं है। आप एक बात याद रखें, जहां हिंदी वाक्य के अंदर रहा सब बोले आईएनजी लगा दो। आईएनजी हमेशा किस में लगती है? फर्स्ट वर्ब के साथ लगा दो। वो नियम याद रखो, कब अगला व्यंजन डबल होता है, कब आई ई वाई में बदलती हूँ, आपको शुरुआत में सिखा दिया गया, कब ई हट के आईएनजी लगती है, किन वर्ब में ई हटती नहीं है, वो सारा तुमको ऑलरेडी बताया जा चुका है। और फिर क्या करोगे? अब उसी वाक्य को ले लो, सीता पत्र लिखती है वो, अब क्या हो जाएगा? सीता पत्र लिख रही है। हर बार हिंदी मत लिखो, जान मत लिखा लो भाषा है, एक सेंटेंस लो और उसी के बारह बनो, उसी के फिर बारह प्रश्नवाचक बनो, उसी के बारह चलते फिरते आते जाते एक वाक्य लो बनाते जाओ। सोने से पहले एक वाक्य लो छत्तीस बनाओ, जागते एक वाक्य लो छत्तीस बनाओ। आप देखते देखते कुछ ही दिन के अंदर, महीनों में नहीं दिनों में आप पारंगत हो जाओगे। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा? सीता। जैसा करता वैसी सह क्रिया के अनुसार सीता क्या है? एक वचन करता है। एक वचन दिन में से क्या लगेगा? बीज लगेगा। तो बच्चों लगा दो बीज। लिखने को क्या कहते हैं? राइट। राइट में ई है लास्ट में, उसको हटाएंगे हम, राइटिंग। ए, कोई समस्या? अब बच्चों ये बड़ा आसान हो गया, यहां आपको तनिक भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जिन साधारण वाक्यों में सहायक क्रिया होती है उनमें सहायक क्रिया को शुरुआत में लगा दो, प्रश्नवाचक बन जाएगा। और सहायक क्रिया के तुरंत बाद क्या लगा दो? नोट। वहां तो हमको डूडल लगाना पड़ा, ये भी सोचना पड़ा कहाँ डूडल लगेगा कहाँ डूडल लगेगा। यहाँ तो साधारण वाक्य में जो सहायक क्रिया उसको उठा के पहले रख दो। तो यहाँ क्या कर दो? पहले रखने वाले इधर लाते क्या है? आई कैपिटल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि शुरुआत में सीता का कैपिटल है ना, है इस सीता राइटिंग है लेटर। आगे इंटरगेटिव साइन प्रश्नवाचक चिन्ह। क्यों? क्योंकि क्यों शुरुआत में आ गई।
तो आपको क्या करना पड़ा, इसको इधर रखना पड़ा, बाकी सेम ही है वाक्य। अब भी हम नहीं सीखेंगे तो हमें कौन सिखाएगा? नकारात्मक बनाएंगे तो क्या है, जहां एक्टिव वर्ब है उसके बाद क्या लगा दो, नोट, ठीक है, कोई दिक्कत आई? उसके बाद आप लोग नंबर तीन में कौन आता है, प्रेजेंट परफेक्ट। क्राइटेरिया क्या आएगी, एडजेक्टिव। तो यहां सबसे पहले क्या लगा दिया, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, हैज और हैज, किस में आएगा, एकवचन में। आई के लिए पहले अलर्ट किया था मैंने, इसका ध्यान रखना है, बार बार पाला उठलेगी, आई और बहुवचन में हैव लगेगा। पहचान में क्या जाता, 3, 7, 11 में चुका, चुका आते ही क्या लगा हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट आता ही। अब हम क्या करेंगे, वही वाक्य ले लो, कौन सा, सीता वाला, पहले बनाया था सीता पत्र लिखती है, उसके बाद बनाया हमने सीता पत्र लिख रही है, और अब काम पूरा हो गया है, सीता पत्र लिख चुकी है। तो आप सबसे पहले क्या लगा दिया, सीता है, जब में से क्या आएगा, जैसा करता वैसी साइक्रिया नियम के तहत है जाए। राइट की सेकंड फॉर्म भी आसान है तो थर्ड फॉर्म भी आसान है। सेकंड फॉर्म में आएगी तो क्या लगा दो, ओ, तो डब्ल्यू आर ओ टी, जैसे गेहूं की रोटी होती है, बाजरे का रोट होता है, रोट, डब्ल्यू आर ओ टी। थर्ड फॉर्म बनाओ तब फर्स्ट फॉर्म में जहां टी है उस टी को डबल करो और आगे एन लगा दो, तो क्या हो गया, राइट रोट रिटर्न। क्या है लेटर, है लेटर और सीता सभी वाक्य में आने हैं, चाहे वाक्य प्रश्नवाचक हो, चाहे वो साधारण हो, चाहे वो नकारात्मक हो, तो बीच बीच में ही तो थोड़ा थोड़ा आपको करना है। अब प्रश्नवाचक बनाने के लिए क्या कर लोगे, हैज को शुरू में ले लो, हैज सीता, बाकी कोई बदलाव नहीं, यानी जिनमें हेल्पिंग वर्ब है प्रश्नवाचक में उस हेल्पिंग वर्ब को आप क्या कर दो, शुरुआत में लगा दो, है सीता रिटर्न है लेटर। और नकारात्मक में क्या कर दो, सीता हैज नॉट रिटर्न ए लेटर। इसके लिए आप 10-20 रुपए की रफ कॉपी ले आओ, लग जाओ, जो खुद लग गया उसको भगवान भी नहीं रोक सकते सीखने के लिए, समझ गए, वो जो खुद नहीं लगा तो उसको चाहे भगवान पढ़ाने आ जाए वो कुछ नहीं सीख पाए, समझ गए ना, और चाहे कुछ भी खा रहे हो आप, जब तक खुद नहीं खाओगे आपके पेट में कुछ नहीं जाएगा, आपकी भूख शांत नहीं होगी, तो करना देर सवेर आपको ही पड़ेगा। इसके बाद चौथा लेंगे, चौथे का क्या हो जाएगा, सूत्र, सब्जेक्ट, तीसरे में जो हेल्पिंग वर्ब आती है उसके चौथे में क्या लगा दो, बीम लगा दो, तो यहां हैज के लगा दो बीम, और हैव के भी क्या लगा दो बीम, वर्ब की कौन सी फॉर्म, 2, 4, 6, 8, 10, 12 आईएनजी फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जोड़ दो, आईएनजी, उसके बाद क्या लगा दो, क्या लगा दो, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या जाएगी, सिंस और समय की अवधि के लिए फोर लगा देंगे, वो चाहे 5 सेकंड हो, और निश्चित समय के लिए सुबह शाम है, दोपहर है, 2005 है, जनवरी 2006 है, उनमें सब में सिंस हो जाएगा। अब इसको बनाओ, एक बात की उसी को ले लो सीता वाले को, क्यों, पहले हमने क्या बनाया, सीता पत्र लिखती है, फिर क्या बनाया, सीता पत्र लिख रही है, फिर क्या बनाया, सीता पत्र लिख चुकी है, और अब क्या कर देंगे, सीता 2 घंटे से पत्र लिख रही है, या सीता
सुबह से पत्थर लिख रही है। सुशीता आपको बताया था सभी 36 वाक्य में आएगा, है जाना ही है और एज के साथ बीन तो कंपलसरी है, ये सर नो। सीता हैज बीन, आगे क्या है क्रिया, वही आ जाएगा 2, 4, 6 वाला। राइटिंग क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, नरेटर जो बताया था सभी 36 में आएगा। सुबह से लिख रही है तो सिंस लिख दो, और 2 घंटे से है तो हो लिख दो। सुबह से पत्थर लिख रही है तो मोर लिख। अब बच्चे घबरा रहा होते इतना बड़ा है जिसको प्रश्नवाचक कैसे बनाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, आप सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को शुरुआत में लगा दो। हेल्पिंग वर्ब यहां कौन है, हैज, इधर ले आओ। तो हैज सीता बीन राइटिंग ए लेटर, बाकी कोई बदलाव नहीं है, है तो बता दो, ठीक है। और सहायक क्रिया के बाद ही नोट लगता है, चाहे शैल हैव बीन विल हैव बीन हो, मूल जो सहायक क्रिया शुरुआत और असर, शैल हैव बीन है तो शैल के बाद लगाओ, विल हैव बीन है तो विल के बाद लगाओ, यानी कौन सा भी हो फ्यूचर का उसमें पहली जो हेल्पिंग वर्ब का वर्ड है उसके बाद नोट लगा दो, तो क्या हो जाएगा, अनपढ़ भी कर देगा ये काम। सीता हैज नोट बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। छोटा छोटा बातों का ध्यान रखना है, प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी है, समझ गए। तो बिल्कुल लाइट वे के अंदर बिना कोई बर्डन के, बिना ये सोचे कि मुझे ये नहीं आएगा नहीं आएगी, ये चीज को नहीं सीख पाऊंगा, ऐसा दिमाग में कभी आने ही मत दो। और रोज जितना हो गया उसका अभ्यास करो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब ये सारी चीजें आ रही, ठीक है। बी रेगुलर, रेगुलर रहो, नियमित रहो, बीच में एक चीज छूट जाएगी तो फिर आप बहुत मेहनत करके चले जाओ, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।